गाजियाबाद के सुदामापुरी वासियों ने मिलकर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद का लाभ प्राप्त किया। आपको बता दें कि सुदामापुरी वासी मां के दर्शन पाने के लिए मां वैष्णो देवी धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के दर्शन कर सभी के लिए कुशलता की प्रार्थना की। वहां से लौटने के बाद सुदामापुरी में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भक्ति गीत गाकर वातावरण को भक्ति से भर दिया। इसके पश्चात सभी महिलाओं ने मिलकर मां के गीतों पर भव्य नृत्य का आयोजन किया जिसमें पुरुषों ने भी भाग लेकर आयोजन को भक्ति से भर दिया। इसके साथ ही सुबह सभी ने मिलकर कन्याओं को बैठाकर प्रसाद वितरण किया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह राजपूत, जयवंती देवी, शालू, मोहित, मोहिनी, भगत सिंह, अंजना, दीपा, श्वेता, मेघा शर्मा जी, सुमन देवी, नकुल शर्मा, आरपी शर्मा, ऋषभ, हरिओम, शनि, देव, रानी राठौर, सुनीता देवी आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान क्या कहना था कार्यक्रम आयोजकों के, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम सब लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। वहां से आने के बाद हम लोगों ने भंडारा किया है, प्रसाद वितरण पूरी कॉलोनी के लिए किया है। बहुत बड़ा भंडारा किया है माँ वैष्णो देवी के दर्शन के उपलक्ष्य में। आज दान पुण्य हर किसी को हिंदू धर्म में करना चाहिए। हाँ, उससे पहले भजन कीर्तन चला था, शाम देर रात्रि तक चला था भजन कीर्तन। भंडारे में कम से कम 500 लोग, 1000 इससे ज्यादा ही हुए।